अगर आप भी शॉर्ट क्रिएटर हो, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियो कब वायरल होता है, यूट्यूब हमारी शॉर्ट वीडियो को कब वायरल करेगा, इसके ऊपर वीडियो बनाओ और हमें लाइव प्रूफ बताओ कि आपकी शॉर्ट वीडियो किस तरीके से वायरल हुई, जब आपने वीडियो को अपलोड किया था उस टाइम पर उस पर कितना व्यूज़ था, अभी उस पर कितना व्यूज़ आ रहा है और किस तरह की जो शॉर्ट वीडियोज़ है वो जल्दी वायरल होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि एक्चुअल जो रीज़न है शॉर्ट वीडियो को वायरल होने का वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, 2022 आने वाला है और अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करके अपने चैनल को फास्ट ग्रो करना चाहते हो, जैसे कि काफी लोग कर चुके हैं, ठीक है, देखते होंगे काफी सारे ऐसे यूट्यूबर है शॉर्ट वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल पे हजारों सब्सक्राइबर कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही उनका चैनल भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मेरा चैनल भी शॉर्ट से ही ग्रो हुआ था, आपको पता होगा। ऐसे में शॉर्ट वीडियो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके चैनल को बूस्ट करने के लिए। ऐसे में काफी लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन वीडियो वायरल नहीं हो रही, इस वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल पर जो शॉर्ट वीडियोस वायरल है जिन पे मुझे काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिलता है, लाखों में व्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो जब मैंने अपलोड किया था उस टाइम पे मुझे कितना व्यूज़ मिला था, कितना मेरा अर्निंग हुआ था और बाद में चल के वो वीडियो कब जाके वायरल हुआ और वीडियो वायरल करने के लिए क्या चीज़ जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को यार बिना स्किप किए पूरा देखना। 2022 में अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग स्किप मत करना, ठीक है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे मैं जाता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट बाय करके मोस्ट व्यूड वीडियो करता हूँ, यानी कि मेरी जो सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियो शॉर्ट में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 4 लाख से ऊपर व्यूज़ है, यानी लगभग 5 लाख व्यूज़ यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे 3,24,000 व्यूज़ है, 3 लाख व्यूज़ है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो इस वीडियो पर मुझे 3 लाख व्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2,55,000 व्यूज़ है, 2,48,000 व्यूज़ है, यानी कि दोस्तों शॉर्ट वीडियो की बहुत ज़्यादा होती है। मेरा तो बहुत कम व्यूज़ है, लोगों के मिलियन में व्यूज़ जा रहा है, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन तक व्यूज़ जा रहा है, ठीक है। यानी अगर आपकी शॉर्ट वीडियो दोस्तों वायरल हो जाती है तो आपको कितना ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर मिल जाएगा, कितना ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा आपको, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्सक्राइबर मुझे कितना मिला है एक वीडियो से। अब दोस्तों मैं आपको मेरे जो है रियल टाइम व्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है, जो मेरे रियल टाइम व्यूज़ आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो मेरे जो भी रियल टाइम व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे 45,000 व्यूज़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो रियल टाइम व्यूज़ है वो यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो से ही काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। 45,000 व्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है, हालांकि ये कई बार 60,000 भी हो जाता है, 70,000 भी हो जाता है, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो दोस्तों मेरी टॉप वीडियोज़ में सारी शॉर्ट वीडियोज़ है। अब एक वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी वीडियो कैसे चल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों आप देखो इस पर 11,400 व्यूज़ है और इस पर 3 लाख व्यूज़ मुझे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों यार शॉर्ट वीडियो देखो दो तरह की होती है, एक होती है सर्चेबल टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते हो और एक होती है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि अगर आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपकी जो वीडियो है वो एकदम से भी वायरल हो सकती है और मिलियन में उस पर व्यूज आ सकता है, लेकिन अगर आप सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो आगे चल के वायरल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो पे मुझे जो है जो व्यूज मिल रहा है दोस्तों वो एकदम से नहीं मिला है बल्कि बाद में जाके मिला है, 30 अगस्त को मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि 30 अगस्त को मुझे इस वीडियो पर कितना व्यूज मिला था। तो यहाँ पे 30 अगस्त में कर लेता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट दिन मुझे जो व्यूज मिला था यहाँ पे 57 से व्यूज मिला था, उसके बाद सेप्टेम्बर में देखो इस पर व्यूज आना स्टार्ट हुआ है, 64,000 मुझे व्यूज मिला था, ठीक है। यानी कि बाद में चल के ये वीडियो वायरल हुई है, एकदम से वायरल नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे आगे चल के वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो से आपको कितना सब्सक्राइबर मिल सकता है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ऑडियंस अटेंशन वगैरह सब देख सकते हो, ब्राउज फीचर से मुझे यहाँ पे व्यूज़ मिल रहा है। सब्सक्राइबर देखो यहाँ पे 585 मुझे सब्सक्राइबर मिला है। अर्निंग मेरी हुई है लगभग $2 के आसपास, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे स्टार्टिंग में आपको व्यूज़ मिलता, जो व्यूज़ मिलता है उसी का अर्निंग होता है, बाद में अर्निंग नहीं होता है। यहाँ पे ये दूसरी वीडियो देखोगे आप दोस्तों तो शॉक्ड हो जाओगे, यहाँ पे ये मेरी जो शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, इस पर मुझे किस तरीके से व्यूज़ मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो ये 6 सितंबर को मैंने अपलोड किया था, 3,25,000 व्यूज़ है, 115 दिन यहाँ पे हो चुका है। अब इस वीडियो को दोस्तों मैंने 6 सितंबर को अपलोड किया था, तो मैं यहाँ पर 6 सितंबर कर लेता हूँ। अब दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर 4700 व्यूज़ मुझे मिला था, उसके बाद इस वीडियो पर व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि शॉर्ट वीडियो जब आप अपलोड करते हो दोस्तों उस वक्त अगर आपको व्यूज़ कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वीडियो आगे चल के वायरल नहीं होगी। आप देख सकते हो अक्टूबर मंथ में मेरी वीडियो पे व्यूज आना काफी ज्यादा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर ये वीडियो डाउन हो गई, फिर व्यूज आना स्टार्ट हो गया। कुछ इस तरीके से ये चलता है जब आपकी वीडियो दोस्तों सर्चेबल टॉपिक पे होती है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से व्यूज मिलता रहेगा, आपकी वीडियो डाउन होती रहेगी, कभी बढ़ जाएगी कभी वायरल हो जाएगी, इस तरीके से चलता रहेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट फिर से मुझे व्यूज़ मिल रहा है यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे सब्सक्राइबर आप देखो यहाँ पे 6,95,000 सब्सक्राइबर मिला है। यहाँ पे भी दोस्तों $2 की ही मेरी अर्निंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो का टाइटल होना चाहिए। अगर आपका टाइटल काफ़ी अच्छा है लोग उसको क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट फीड में दोस्तों आपका थंबनेल दिखता नहीं है, आपका टाइटल ही दिखता है। ऐसे में अगर आपका टाइटल पढ़ के कोई लोग आपकी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वीडियो जो है आगे चल के भी वायरल हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो आगे चल के भी वायरल हो सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।